हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? हम कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 9×10⁻⁹ न्यूटन व्हेन इट इज ब्राउट नियर अनदर बॉडी व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी बॉडी को एक मैग्नेटिक फील्ड में जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के पास लेके आया जाता है तो पहले बॉडी की वजह से दूसरा बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिस फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है 9×10⁹ न्यूटन और यही प्रॉपर्टी कहलाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, जब उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे बॉडी के पास लेके आया जाता है तो बॉडी ए के वजह से बॉडी बी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और यही प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी कहलाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको जानने के लिए एक लॉ दिया गया था कूलम्स, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। इसमें होता है F=K×Q1×Q2/R², जहां पर F की वैल्यू है फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, Q1 और Q2 है चार्ज, R जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू चार्जेस। इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इस पूरे लॉ को कहते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। इसको हम लोग आगे जानेंगे क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ आगे। इलेक्ट्रिक चार्ज तीन प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज बियर्ड बाय अ प्रोटॉन। द सेकंड वन इज नोन एज नेगेटिव चार्ज, दैट इज बियर्ड बाय अ इलेक्ट्रॉन। एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज का मतलब है उस पर कोई चार्ज नहीं है, इट हैज नो चार्ज ऑन इट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसा यूनिट जो होती है चार्ज की वो कूलम्ब होती है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम लोग ऐसा यूनिट कूलम्ब को सी से डिनोट करते हैं, ना कि चार्ज को। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट क्यू से। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस दैट इट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन, इट ओनली हैज अ मैग्नीट्यूड। दैट्स क्लियर। फिर से हम देख लेते हैं बार, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू सिंबल से। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से और इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पॉइंट क्यू।